जहां हमारी सभ्यता का आदित्य दुनिया में पहचाना गया, उसी नगरी को विक्रमादित्य के नाम से दुनिया जानती है। विक्रमादित्य का नाम ही पर्याप्त है दुनिया में। किसी को सुशासन की बात कहना हो, किसी को वीरता का नाम बताना हो, न्याय प्रीता का बात बताना हो, दानशीलता की कोई बात करता हो, कितने प्रकार के गुण व्यक्ति में हो सकते हैं, वो सारे के सारे गुण अगर एक व्यक्ति में समाहित कर दो तो जीते जी जो देवत्व धारण कर ले। लेकिन विनम्रता में आज भी वो अपने आप को राजा के बजाय सामान्य नागरिक के नाते से, नागरिक तंत्र की स्थापना के प्रथम पुरुष के नाते से जाने जाते हैं। हजारों साल से महाकवि कालिदास ने 2000 साल पहले ऐसे ही घंटानाद किया, जिसके आधार पर उनकी आज भी दुनिया में तोड़ नहीं मिलता है। जिनने अपने ग्रंथों के माध्यम से उज्जैन की गरिमा गाई, एहसास कराया कि पवित्र छिपरा का किनारा, ये भूखंड इंद्र देवता का माना गया स्वर्ग के समान, जो उपमा दी गई उज्जैन को, वैसे तो उज्जैन की पहचान ही ऐसी है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा वतिश्चेव सप्तैते मोक्षदायिका, जो सात पवित्रतम नगरी दुनिया में है, और जिन नगरी में रहने मात्र से परमात्मा हमको जन्म जन्म के झंझटों से मुक्त करके मोक्ष की प्राप्ति कराता है। व्यक्ति मनुष्य लोक में आता है तो एक ही आकांक्षा से आता है, और आने के पीछे उसका भी कारण रहता कि जब हमारे प्रारब्ध में मोक्ष में रहना का मौका, या आप इसको सरल भाषा में कहो तो हमारे कर्मों के आधार पर पुण्य कर्म अर्जित करने का मौका ढूंढना है, तो व्यक्ति का पिंड आत्मा के रूप में हमारे अपने शरीर से इस मृत्यु लोक में शरीर धारण करके पुण्य अर्जित करने का मौका मिलता है, और पुण्य अर्जित करने का मौका मिलता है तो 84 लाख योनियों में से कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको मनुष्य जन्म मिलता है, और मनुष्य जन्म को सार्थक सिद्ध करने के लिए ऐसी उदात्त संस्कृति को दुनिया ढूंढती रहती है, और ऐसी संस्कृति में हमें सबको गर्व है। हाँ, हम सनातन संस्कृति के संवाहक है, जिस संस्कृति ने दुनिया को मनुष्यता के नाते से वसुदेव कुटुंबकम की भावना से परिचय कराया।